नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। कन्या जिमाने के साथ हुए नवरात्र संपन्न, कल मनाया जाएगा विजयदशमी पर्व। लगातार नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद माता के भक्तों ने अष्टमी का व्रत रखकर सोमवार को कन्याओं को जिमाने के बाद माता के भक्तों ने मां के दर्शन के लिए माता के मंदिरों में भक्तों का रिलक देखने को मिला। सावकारा में बने प्राचीन नवदुर्गा मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। यहां हर कोई भक्त माता के दर्शन की अभिलाषा में था। नवमी के दिन मंदिरों में जमकर माता की भेंटें गाई गईं। जिस पर भक्तों ने नृत्य कर माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया। इस मौके पर भक्तों ने बताया, हम इतने कहते हैं हमारी मैया से सब बहुत खुश हैं। यहाँ नवदुर्गा मंदिर बहुत सबके लिए सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कड़ी में कालीवाड़ी स्थित मां काली के मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ हर कोई भक्त माता के दर्शन के लिए अभिलाषी था। लोगों का उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और माता को वस्त्र आदि भी पहनाकर उनसे आशीर्वाद प्रदान किया है। मंदिरों में आए भक्तों ने जमकर माता के जयकारे लगाए। इस बारे में वहां आए भक्तों ने माता की महिमा बताते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा, भजन भी गाए माता रानी के कल हमने, लेकिन माता रानी का भजन करके हमें बहुत सुकून मिला। ना पूरे व्रत रखे थे हमने, बहुत आनंद आया। 20 साल हो गए हैं सेवा करते करते, 20 साल से सेवा कर रही हूँ और अभी भी करती हूँ सेवा। यहाँ आने वाले भक्तों का किस तरह से मनोकामना पूरी होती है? नहीं, मनोकामना तो इस तरीके की, जो मन्नत हो वो मन्नत पूरी होती है। माता के दरबार में जो मांगो वो मिलता है, ऐसा नहीं है कि हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्र में ज़्यादा भीड़ रहती है? नवरात्र में बहुत भीड़ रहती है और शनिवार को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। शाम के टाइम पे 9 बजे के टाइम पे महाआरती भी होती है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया, यहाँ बहुत धूमधाम से लोग आते हैं माता के दर्शन के लिए। या जितनी भी भक्त आते हैं, अधिकतर भक्तों की मतलब जो अपनी मान्यता रखते हैं पूरी होती है। और यहाँ भीड़ दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ अभी पैर रखने तक की जगह नहीं थी इससे पहले, सुबह के टाइम पर ज़्यादा पड़ रहा माता के चरणों पे। अब शाम को यहाँ 5 बजे हवन होगा, उसमें भी देखिए खूब भीड़ रहती है। विजयदशमी पर गली गूंजों में भी होगा रावण के पुतलों का दहन। 50 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के बिक रहे हैं रावण के पुतले। विजयदशमी पर लंका नरेश रावण के पुतलों का दहन आपने रामलीला के मैदानों में तो देखा और सुना भी होगा, लेकिन अब गली गूंजों में भी रावण के पुतलों का दहन होगा, जिसको लेकर बाजार में 50 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के रावण के पुतले बिक रहे हैं, जिनकी लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। रावण के पुतलों की खरीदारी करने आए लोगों ने बताया, ये बच्चा जिद कर रहे हैं रावण खरीदने आए हैं भाई। आप गोदाम में पहुंच गया? मोहल्ले में अपने हाँ, घर के बाहर ही जलाएंगे। नहीं नहीं, वो बच्चा छोटा है, उनने जरा कहानी सुन ली तो वो कह रहे लेके आओ भाई, क्या करें। ये भाई साहब दे रहे हैं 500, 1000, 1500, अभी पट नहीं रही, 400 रुपये आए हैं। ये रावण की मस्ती के लिए, मतलब गली वालों की मस्ती के लिए खरीदा है जलाने के लिए। कहाँ जलाएंगे? पटेल नगर में। पूरे मोहल्ले का दशहरा वहीं मनेगा मोहल्ले। हाँ, तो आपने आप रावण को कब करेंगे? नहीं, सब लोग के साथ करेंगे जिन जिन ने बनाया है। कितने का खरीदा आपने? ये हमने 2000 का खरीदा है। हर साल करते हैं? यस, हर साल। पटाखे, भूसा, सब कुछ जो इसमें सामान लगता है वो लगाते हैं।
वहीं रावण बनाने वाले कारीगर ने कहा, हाँ रेगुलर करते हैं साहब, हमें होगा करीब 35-40 साल। ₹50 से लेके। अब समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बरेली जनपद में 1 अप्रैल से लागू। इस योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म से लेकर उच्चतर शिक्षा तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6 श्रेणियों में बालिकाओं को ₹15,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो देर ना करें, सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मुहिम में सहभागी बने। अधिक जानकारी के लिए एवं निशुल्क आवेदन के लिए जिला प्रोबेशन कार्यालय कक्ष संख्या 20 कलेक्ट्रेट बरेली में संपर्क करें। और अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन पर अंकित अनिवार्य पात्रता शर्तों को ध्यान में दें तथा योजना का लाभ उठाएं। यह सूचना जिलाधिकारी वृंद कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता हिरवार के द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर रेलवे मनोरंजन सदन में दुर्गा पूजा का हुआ आयोजन। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्तों ने की शिरकत। नवरात्र के उपलक्ष में कल्चरल सोसाइटी व वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में उत्तर रेलवे सदन में नवरात्र के उपलक्ष में दुर्गा पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने 7वीं, 8वीं व 9वीं में पंडाल में माता की पूजा अर्चना की। यह कार्यक्रम तो वैसे तो बंगाली समाज के लोगों के द्वारा पिछले 28 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसमें अन्य लोग भी हिस्सा लेकर माता की आराधना और पूजा अर्चना करते हैं। इसके उपलक्ष में पंडाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई तरीके के रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए हैं। तत्पश्चात विशेष आरती का आयोजन किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आयोजक ने बताया कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी पर अपने परिवार के साथ आती हैं और लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे वह साल भर सुख समृद्धि रहे। दशमी को दुर्गा विसर्जन के साथ ही पूजा संपन्न हो जाती है। इस बारे में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया, बरेली कल्चरल और वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में उत्तर रेलवे मनोरंजन सदन में ये लगातार 28वीं दुर्गा पूजा संपन्न हो रही है। पूरे शहर से और दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पे लगातार षष्ठी सप्तमी आराध महाअष्टमी के सायंकाल पधारे हुए हैं। अभी यहाँ पे धनु चिनाद प्रतियोगिता संपन्न हुई और अब जो एक विशाल और भव्य पंडाल यहाँ पे बनाया गया है, उसके स्टेज में अब से कुछ ही देर बाद श्रीमती सुरभि राय के निर्देशन में बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम आनंद धारा का प्रदर्शन होगा। आनंद धारा में सर्व धर्म सम्मेलन का समन्वय यहाँ दिया गया है, जिसमें सभी धर्मों को पूरा हिस्सा दिया गया। हिंदी, बांग्ला एवं सूफी संगीत, फिल्मी संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, सब चीज़ लोगों को देखने को मिलेगा। मैं सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में उधर पंडाल में स्टेज का आनंद लें और महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें। इस आयोजन का उद्देश्य दुर्गा पूजा सैकड़ों वर्षों से पूरे देश और विदेश में हिंदुस्तान में हो रही है। बरेली शहर में 100 साल से भी ज़्यादा दुर्गा पूजा होती है। उद्देश्य इसका ये होता है, ऐसी मान्यता है कि महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा शारदीय नवरात्र में अपने संतान माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ पृथ्वी पर आती हैं और चार जो षष्ठी सप्तमी और अष्टमी और नवमी उनकी पूजा की जाती है। माँ दुर्गा पंडाल में विराजमान होती हैं और उसके बाद दशमी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। माना जाता है कि वापस वो भगवान शिव जी के पास चले जाती है। मान्यता ये भी है जो लोग इस पंडालों में आते हैं उनको पूरा वर्ष दुख दर्द बहुत दूर रहता है उनसे
और अगर कोई कष्ट आए भी तो उनको माँ दुर्गा इनको सहने की शक्ति देती हैं। दिन प्रतिदिन उनकी क्षमता बढ़ती जाती है और अगले वर्ष उनको इस पर्व का हमेशा इंतजार रहता है। बनखंडीनाथ मंदिर रामलीला ग्राउंड में चल रही रासलीला में खेली गई फूलों की होली, हुए कई रंगारंग कार्यक्रम। बनखंडीनाथ मंदिर रामलीला ग्राउंड में काफी दिनों से चल रही रासलीला का फूलों की होली के साथ समापन हो गया। इस बीच विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें आज फूलों की राधा कृष्ण के साथ श्रद्धालुओं ने जमकर फूलों की होली खेली। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य जी मौजूद रहीं, जिसमें उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रासलीला का आनंद लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य ने कहा, देखिए रामला बनखंडीनाथ रामला कमेटी के माध्यम से रामला का रात में मंचन और दिन में जो है कृष्ण लीला का मंचन हो रहा है। निश्चित रूप से इनका एक ये प्रयास है कि किस प्रकार से हम भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचा सके और साथ साथ में बचा सके, तो मैं इनके प्रयासों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। निश्चित रूप से इन पात्रों से यहाँ पर बैठी महिलाओं ने बहुत कुछ सीखा होगा, यहाँ पर बैठे पुरुषों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं इस रामला कमेटी वालों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये जो उनका रामला का मंचन है अथवा कृष्ण लीला का मंचन है, मुझे लगता है कि सफल निश्चित रूप से आज होने जा रहा है। ऐतिहासिक रामलीला यहाँ पर होती है, मंदिर भी बनखंडीनाथ का काफ़ी ऐतिहासिक है जी। क्या लगता है इस तरीके के जो लीलाएँ होती हैं उनसे लोगों को मैसेज मिलता है और लोगों को अपने इतिहास की, अपने महाभारत, अपनी रामायण की जानकारी होती है? देखिए मैं ये मानती हूँ कि शायद पूरे उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी रामला शायद ही होती होगी, क्योंकि यहाँ पे 30,000 से 40,000 के करीब लोग प्रतिदिन जो है सुबह और शाम में यहाँ पहुँचते हैं। वास्तविक रूप से ये एक ऐतिहासिक रामला है और मुझे लगता है कि जैसे बाबा बनखंडीनाथ का आशीर्वाद हम सबको मिला है, वैसे ही रामला कमेटी वालों को मिला है। निश्चित रूप से इन मंचनों के माध्यम से सभी लोग, हम लोग नैतिकता का पाठ भी पढ़ते हैं और किस प्रकार से भगवान राम ने आदर्श प्रस्तुत किया है, उस आदर्श को हम लोग ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है और मैं उन सभी आगंतुकों को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके आने से ही कमेटी को बहुत उत्साह और प्रोत्साहन मिलता है, जो कि आगे भी वो इस तरीके से निरंतर काम करते रहते हैं। सवाल ये है मैडम, क्योंकि आप उत्तराखंड के मंत्री भी हैं, तो क्या इस तरीके की जो लीलाएं होती हैं, इनके जो कलाकार होते हैं, इनको सरकार की तरफ से कुछ उनको प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाए, क्या इस तरीके का कुछ आगे मैसेज देंगे? देखिए उत्तराखंड में एक संस्कृति विभाग है जिसमें उत्तराखंड के कल्चर को बचाने के लिए, लोक संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार का किसी ने भी अपनी कमेटी अथवा बना रखी है, वो पंजीकृत होती है और वो जगह जगह अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, तो उस एवेज में सरकार उनको प्रति व्यक्ति धनराशि देती है। तो ये एक प्रयास रहता है कि अपनी संस्कृति को बचाने का, ये प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को रोजगारपरक बनाने का भी, और बहुत सारे लोग जो हैं इस लोक संस्कृति से जुड़ सके तो उनको प्रोत्साहन भी लगातार जो है सरकार संस्कृति विभाग के माध्यम से देती रहती है। टेम्पो चालक के उड़ाए युवक ने रुपये, रंगे हाथ पकड़ा, लगाई जमकर धुनाई। चौपला पुल के पास एक टेम्पो चालक ने एक युवक को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर टेम्पो चालक ने बताया कि युवक ने उसके टेम्पो से रुपए चुरा लिए थे, जिसे उसने रुपए चुराते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया।
इस बीच टेम्पो चालक ने युवक की धुनाई लगाना शुरू कर दी, जिससे वहां पर काफी भीड़ लग गई। एचडीएफसी बैंक मैनेजर के घर दिनदहाड़ों लाखों की चोरी, अब तक नहीं हो पाया है कोई भी खुलासा। बैंक मैनेजर लगातार काट रहे हैं अधिकारियों के चक्कर। बताते चले कि थाना इज्जत नगर के सनसिटी विस्तार कॉलोनी में रहने वाले वसीम खान एचडीएफसी बैंक सिविल लाइंस मुख्य शाखा में शाखा प्रबंधक के तौर पर तैनात हैं। 23 सितंबर को जब वे ड्यूटी करने बैंक चले गए थे और उनकी पत्नी बच्चों को स्कूल से वापस लेने के लिए गई थी, उस बीच चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर दिन दहाड़े लाखों रुपए का माल से हाथ साफ कर लिया था, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत ही 100 नंबर पर पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पुलिस आकर चली गई। उनकी तरफ से थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई थी। इस बीच उन्होंने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे से चोरों के हुलिया आदि का पता लगा लिया, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। बहरोज इस घटना को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए वसीम खान ने बताया, 23 सितंबर को चोरी हुई है मेरे यहाँ दिन में 11:30 से 12 के बीच में, और लगभग 3 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है, जिसमें सोना और कैश और कुछ घर के कीमती सामान चोरी हुए। देखिए, हमने सेम डे ही FIR दर्ज करा दी थी, मुकदमा दर्ज हो चुका है, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि मैंने जितने भी हमारे नेबर्स के यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं, CCTV जो सन सिटी के गेट पर लगे हुए हैं, मैंने सारी फुटेज इकट्ठा करके हफ्ता भर में पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो लोग सस्पेक्ट को पकड़ नहीं पाए हैं। मैं इज्जत नगर चौकी के मिस्टर KK वर्मा जी के संपर्क में हूँ, और आज भी मेरी उनसे बात हुई थी, वो अभी भी मुझे आश्वासन ही दे रहे हैं कि हमारा जब ये चल रही है कार्रवाई आपको बताएंगे। जैसा अधिकारी से आपकी मुलाकात करी है, कोई शिकायत करी इस बारे में कि 28 तारीख को मैं SSP ऑफिस विजिट करी थी मैंने, वहाँ पर PRO साहब से मिला था मैं, उन्होंने मेरे सामने कॉल करी थी चौकी में, लेकिन अब तक वही है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ खुलासा नहीं हो पाया। वीडियो में CCTV जो फुटेज है उसमें किस तरह का चोर कुछ हालात नजर आ रहे हैं? चोर उसके अंदर जो है वो चेहरा तो नहीं दिख पा रहा, लेकिन मेरा एक बैग है जिसमें सारा सामान वो डालकर लेकर गया, वो बैग उसके अंदर दिख रहा है। सफ़ेद कलर का शर्ट पहना हुआ है और काली कलर की जीन्स पहनी, जूते पहने हैं, वो स्कूटी पर जो है वो एग्जिट हुआ है हेलमेट पहनकर, लेकिन उसके साथ एक ब्रेजा गाड़ी है वाइट कलर की, वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि घर की रेकी करी है उसमें पाया गया है कि ये ब्रेजा गाड़ी से वो उतर कर लगभग एक साइड वाले कैमरे से और वो घर में हमारे एंटर हुआ है। हमारा एक बैग था जिसमें वो सारा सामान कैश सब डालकर लेकर गया है, वो बैग हमने पहचान लिया है। गाड़ी नंबर भी आ रहा है, लेकिन नंबर प्लेट पे जो है वो नंबर प्लेट को जानबूझ के खराब की गया है, सो दैट उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। पुलिस ने किया चैन स्नैचिंग व बाइक चोर ग्रोह का पर्दाफाश। लगातार बाइक चोरी व चैन स्नैचिंग की घटनाओं को देखते हुए SSP शैलेश कुमार पांडे के नेतृत्व में सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है, जिसको लेकर थाना किला क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाई जा रही चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। उसने बाइक तेज कर दी, पुलिस ने उसका पीछा करके उसको धर दबोचा। कड़ी पूछताछ के बाद पता चला है कि उन दोनों युवकों का आपराधिक इतिहास है। ये कई थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी के बाद चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। उनके पास से सोने की 2 चैनें व चोरी की 18 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए SP सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया, एक वाहन चोरी और लूट का गैंग हम लोगों ने पकड़ा है। ये गैंग पूरे शहर भर में ऑपरेट करता था और अलग अलग जगहों से वाहन चोरी करता था और उस चोरी किए हुए वाहन से लूट की घटना को अंजाम देता था। इससे हम लोगों ने 18 मोटरसाइकिल्स और एक स्कूटी बरामद करी है, और 2 चैन जो कि घटनाओं में गई थी वो हम लोगों ने बरामद करी है। और भी जो घटनाएं इन्होंने करी हैं उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और जो इसमें मुख्य 2 लोग थे, तौफीक और मुनीश, इन दोनों लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। तौफीक जो है इस पूरे गैंग का लीडर है,
और उसी के निर्देशन में ये सारी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा जो तीन लोग और हैं वो फरार चल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी ही सुनिश्चित करेंगे। कितनी वारदातों को अंजाम ये गैंग दे चुका है? इन्होंने बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, और बाइक चोरी की घटनाएं तो इन्होंने सिटी के लगभग हर थानों से करी हैं, और कई बार ये जेल जा चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट भी के तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ा गैंग है, शातिर गैंग है, और आगे भी हम इन पर नज़र बनाए रखेंगे ताकि ये आगे भी किसी तरह की घटनाओं को अंजाम न दे सके। 2500 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में, भेजा गया जेल। थाना प्रेमनगर पुलिस ने कई मुकदमों में वांछित चल रहे भगवान दास पुत्र जोगराज निवासी सितारगंज थाना फरीदपुर, जो कि इस समय थाना इज्जत नगर के बन्नू बाल नगर कॉलोनी में रह रहा था, जिस पर कई थानों के कई मुकदमे वांछित हैं, जिसको लेकर आज पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक अदद तमंचा, नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया, एक ग्राम प्रधान ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। एक लेखपाल है, सितारगंज गांव, थाना फरीदपुर में पड़ता है। उसके एक लेखपाल के साथ लूट हुई थी। उसके कई सारे जो चकबंदी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो लूट लिए गए थे, और इस घटना को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्लान करा था, और जिस प्लानिंग का जो मुख्य व्यक्ति है वही ग्राम प्रधान है। ये ग्राम प्रधान ने कई सारी गड़बड़ियाँ कर रखी थी, लोगों से पैसे ले रखे थे चकबंदी ना कराने के नाम पर, और उसके बाद इस जो चीज़ें हैं इस लूट को उसने प्लान किया ताकि जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं चकबंदी रिलेटेड वो सारे के सारे गायब हो जाएं। और इसमें इसने कई लोगों को इन्वॉल्व किया, इसमें इसका ड्राइवर भी इन्वॉल्व है, और एक आबिद नाम का व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जो कि हिस्ट्री शीटर है, और कई सारे इसमें अपराधियों को उसने इकट्ठा किया और इस घटना को प्लान किया। और उसके बाद हमारी टीमें लगी हुई थी इसको गिरफ्तारी करने में, तो इसमें हम लोगों ने इसी क्रम में इसके ऊपर हम लोगों ने पुरस्कार भी घोषित किया था कि जो भी व्यक्ति इसमें घटना में प्रमुख होगा उसके ऊपर ये इनाम घोषित किया जाएगा। और लगातार हमारी टीमों के जो सर्च अभियान में और जो हमारे जो सर्विलांस के माध्यम से काम चल रहा था उसमें हम लोगों ने उसी क्रम में इसको गिरफ्तार किया है और इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस पर कहाँ कहाँ मुकदमे दर्ज हैं? ये वहाँ पर नारकोटिक्स वगैरह के काम में भी पहले जेल गया हुआ है, यहाँ शहर के बारादरी थाने से भी ये जेल जा चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश तक भी इसके जो तार हैं वो जुड़े गए हैं, वहाँ भी एक थाने से ये एक जिले में, अभी हम लोग उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, वहाँ से ये जेल गया है इसी नारकोटिक्स के मामलों में। और भी इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और उसी हिसाब से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज़ को आप अपने मोबाइल के YouTube पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज़ में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9760095470, या हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज़ बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, DD पुरम बरेली। समाचारों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।